नमस्कार अपुनी चाय से लाइव आवार मैं जयंत माधव गोस्वामी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहर अहमद द्वितीयतो दिन आज केबाटाओ कार्यसूची अंश ग्रहण करिब गृहमंत्रीगढ़ तेजपुर एसएसबीर प्रतिष्ठा दिवस उपस्थित थकब गृहमंत्री अमित शाह मिसामार ठेलामरत बाथौ महासभार अधिवेशन अंशग्रहण कर सरु सजाईत आरक्षर कमांडर दीक्षान समारोह अंशग्रहण खानापुरा सरु सजाई लोड शोत अंशग्रहण अमित शाह ब्रह्मपुत्र पारर उद्यान मुकलि अमित शाह सन्ध्या कलक्षेत्र वीर लाचित बरफुकन जीवनी मुकलि अमित शाह कईबाट कार्यसूची आज द्वितीय तथा अंतिम दिन केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहर तेजपुर कईबाट कार्यसूची अंशग्रहण कर दिन दु बजा गुवाहाटी उपस्थित हम सरु सजाईत आरक्षर दीक्षान समारोह अंशग्रहण कर पान बजार उद्यान मुकलि अमित शाह और सन्ध्या कलक्षेत्र वीर लाचित बरफुकन जीवनी मुकलि केन्द्रीय गृहमंत्रीगढ़ इतना तेजपुर आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह परिष्कार कल दिन आम देखने पासी महाभैरव मंदिर दर्शन कर पिछत मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार सहित पानी मारी परिष्कार महाभैरव मंदिर चौहद अमित शाहर उपस्थित आसिल मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्माओ मुख्यमंत्री परिष्कार करिले महाभैरव मंदिर शिलंगर पुरा पुने पुने तेजपुर उपस्थित होसिल अमित शाह या महाभैरव मंदिर चौपाश चौहद परिष्कार करिसे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह या पानी मारी परिष्कार करा होसे मंदिर चोताल मंदिर चौहद सहयोग करिसे अहोमर मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा लखीमपुर आज राहुल गांधी न्याय यात्रार पूर्वे निशा दुर्बृत्त फाली पेलाले न्याय यात्रार केबाखनो बैनार पोस्टार हाते हाते लाठी लय फालिले बैनार पोस्टार जय श्रीराम धनी दी राजपथर काखत आरी थुआ बैनार पोस्टार फालिले दुर्बृत्त आज लखीमपुर आज राहुल न्याय यात्रा एक घटनाक लय लखीमपुर तीव्र प्रतिक्रियार सृष्टि होइसे जते गैसे राहुल गांधी ताते सृष्टि होइसे वितर्क या दुर्बृत्त राहुल बैनार फाली दिया दृश्य बंदी होइसे केमेरात जय श्रीराम धनी रे दुर्बृत्त निशार भगत लखीमपुर लगवा एक बैनार पोस्टार समूह फाली चिरा चिर करे जक लिया तीव्र प्रतिक्रिया सृष्टि आज लखीमपुर राहुल न्याय यात्रा आरम्भ हर कथा और तार पूर्वे आन एक अथंतर सम्मुखीन हल राहुल गांधी न्याय यात्रा राति एटा बजाले आम गोटे लखीमपुर टाउन आमि राहुल गांधी डांगरियार जी भारतजोड़ो न्याय यात्रार जी माने पदक्षेप तार आमि माने बैनार पोस्टार होल्डिंग लगाई पेलाई आमि धुनियाके गोटेई टाउनखनत आमि तेखेतक आदरणि जनाबर कारणे आमि व्यवस्था ग्रहण करिछिलु किन्तु रातिपुवा पाँचटा बजात कोनोबा दुर्बृत्तय आहि पाँचखन बलेरो पिकअप गाड़ी लै पेलाई पचिश त्रिशटा ल'रा आहि पेलाई एफालर पा बोले गोटेई माने पोस्टार बैनारबिलाक फालि गैछे लगे लगे आम देखी गोटेबी पोस्टार बैनार फाली लंड भंड कर पे गुस गल लखीमपुर सांबादिक संजीव लाहन सहित आम पन्पटिया सम्प्रचार संयुक्त हो संजीव लाहन आज द्वितीय तृतीय तो दिन न्याय यात्रा राहुल शिवसगर जोरहाट मजुली एबार लखीमपुर किंतु लखीमपुर न्याय यात्रार पूर्वे आन एक अथंतर सम्मुखीन हल राहुल गांधी जल्दे गई ततेई वितर्क सूत्रपात राहुल गांधी न्याय यात्रा लो एबार पोस्टार फालिले कोनो दुर्बृत्त প্রকাশ করেছে যে যা রাতে যেখানে বেনার পোস্টার লগাইছিল রাহুল গান্ধী সেইখানে ইতিমধ্যে লখিমপুর নগর মাজমজিয়া থাকা যেখানে বেনার পোস্টার সকল দিন ভাঙি পেলালে ফালি পেলালে আর এই মাত্র কিছু কেইটামান মুহূর্তের আগতে রাহুল গান্ধী ইয়ার পর ন্যায় যাত্রা আরম্ভ করেছে এই মা পদ্মী থানত বাহিরের পর সেবা করলে মানুষের যেহেতু যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিল সেই লোকের ভিড় ফালি মন্দিরের ভিতর নগল পূজারী বাহিরলকে মাতি আনি সেবা জনায় ইতিমধ্যে বগী নদীলে রওনা হয়েছে আর কিছু সময় পিছতে লখিমপুর নগর মাজমজিয়া পদযাত্রা করব আর কেনেকুয়া আছে লখিমপুরের রোডম্যাপ তো কেনেকুয়া সঞ্জীব রাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্রার রোডম্যাপ লখিমপুরত কেনেকুয়া
হয় জানতে চাওঁ যে এই পদুমণি থানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বগী নদী যি পদুমণি থান ইয়াতে সেৱা কৰি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে বাইপাছৰ ওচৰত যি সতীসাধনী মূৰ্তি আছে তাত মাল্যৰ্পণ কৰিব, মাল্যৰ্পণ কৰি তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি লখিমপুৰ নগৰৰ মাজেৰে গৈ আকৌ তেওঁ গাড়ী দিছিব, গাড়ী দিছি গৈ লৈ নাওবিচাৰ যিডোখৰ জেগা এটা স্থানত হয় তাৰপিছত গৈ লালুকত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিয়লি বেলা অৰুণাচললৈ যাবগৈ। অৰুণাচলৰ পৰা ঘূৰি আহি হয়তো দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত কাইলৈৰ কাৰণে কাৰ্যসূচীত তেখেতে ভাগ লব। কিন্তু জয়ন্ত চাওক যে পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচীমতে এই মা পদুমিন থানৰ ভিতৰত যে সেৱা কৰাৰ কথা আছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে, কিন্তু সেয়া নকৰিলে বাহিৰৰ পৰাই থিয় হৈ তেওঁ পূজাৰী মন্দিৰৰ পৰা মাতি আনি ইয়াতে সেৱা জনাই ইতিমধ্যে বগীনদীলৈ ৰাওনা হৈছে। আৰু বগীনদী আমি যি দেখিছো যে পথৰ দুই কাষে যথেষ্ট লোক সমাগম হৈ আছে, কিন্তু আমাক জনোৱা মতে ৰাহুল গান্ধীয়ে হেৰি বগী নদীত পদযাত্ৰা নকৰে, তেখেতে গাড়ীৰ ওপৰৰ পৰাই তেখেতে যিখন বাহনত গৈছে সেই গাড়ীৰ ওপৰৰ পৰাই সাধাৰণ লোকৰ লগত মত বিনিময় কৰিব। বা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে যে যি বিৰোধী চক্ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰা বিফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পক্ষই ইতিমধ্যে বহু চেষ্টা কৰিছে ন্যায় যাত্ৰা ব্যৰ্থ কৰি তোলাৰ বাবে, আৰু তাৰে অংশস্বৰূপে বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি চিৰাচিৰ কৰিলে, আৰু যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় সঞ্জীৱ লাহন পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ ফালি পেলোৱা হ'ল, ৰাজপথত এনেদৰে চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ। তাৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা, বগী নদীলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাহুলৰ ন্যায় যাত্ৰা। বহু প্ৰতীক্ষিত 22 জানুৱাৰীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাই, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব, আৰু ইতিমধ্যেই গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকুত ঢাকি ৰখা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশুৰ ৰূপ। পদুম ফুলৰ ওপৰত ৰামলালাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। ৰামলালাৰ মূৰ্তিত দিয়া হৈছে সোণৰ ধনু। উল্লেখযোগ্য যে ৰামলালাৰ 51 ইঞ্চিৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। এয়া ৰামলালাৰ বিগ্ৰহ, এয়া ৰামলালা। সকলোৰে কৌতূহল আছিল কেনেকুৱা হ'ব ৰামলালা দেখিবলৈ, আৰু এক আভাস এই মুহূৰ্তত দিয়া হ'ল এই মূৰ্তিটো, এই ফটোখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে য'ত ৰামলালাৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। শ্যাম বৰণৰ ৰামলালা কৰ্ণাটকৰ কোলাক গ্ৰেনাইটেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 51 ফুট 51 ইঞ্চি উচ্চতাৰ এই 5 বছৰীয়া শিশুৰূপৰ ৰামলালাক 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে চকুৰ কাপোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। ৰামময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ অযোধ্যা, ৰামময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ দেশ। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া দেশৰ আকাশ বতাহ। 22 জানুৱাৰীলৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই ৰৈছে সকলোৱে। মাজত মাত্ৰ এটা দিন, সোমবাৰে মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে এতিয়া ৰামময় হৈ উঠিছে সমগ্ৰ দেশ। সোমবাৰে অসমৰ প্ৰতিটো মন্দিৰতো আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। প্ৰতি ঘৰতে জ্বলিব বন্তি। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে ৰামৰ বন্দনাৰে নৃত্যত অনুশীলন কৰিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। নাগপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ত এনেকৈ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে
শিক্ষার্থী সকলক দিছে নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूर्वे आयोजन करा है अमृत महोत्सव लेजार शो। अयोध्यार राम मंदिर निशा आकर्षण लेजार शो आयोजन करा है। लेजार शो चाहिए भीड़ करे अगणन दर्शक एक मायामय परिवेशे विराज करिसे आध्यात्मिक परिवेश एतिया गद गद सकलो या लेजार शो चाहिए अगणन लोके भीड़ करा परिलक्षित हल। अयोध्यार राम मंदिर निशा एनेदरे आकर्षण लेजार शोए दृष्टि आकर्षण करिले सकलोरे। नेटवर्क 18ৰ 100গৰাকী সাংবাদিক বৰ্তমান অযোধ্যাত উপস্থিত আছে। অযোধ্যাৰ সুকে কোণে প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই আহিছো। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান তথা ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিটো পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আমাৰ কেইবাগৰাকী সাংবাদিক ইতিমধ্যে জনাইছো 100গৰাকী সাংবাদিক অযোধ্যাত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। আমি আগবঢ়াম প্ৰতিবেদন। राम में है हर जगह भगवान श्री राम के भक्त नजर आ रहे हैं। हर जगह अयोध्या की अलौकिक तस्वीर नजर आ रही है। लता मंगेशकर चौक पर दूर दूर तक आपको सूर्य स्तंभ नजर आएंगे। यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पर भक्तों की भीड़ नजर आएगी। अलग अलग जगह से भक्त यहाँ पहुंचे हैं और बिल्कुल भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या के गली गली में वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्या नाम है? आरती, आरती पांडे। कहाँ से आएंगे? अयोध्या से ही है। कितनी बदल गई अयोध्या, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कल्पना की थी कि भगवान श्री राम आएंगे और हम लोग वो पीढ़ी होंगे जो ये क्षण देख पाएंगे? जी नहीं, नहीं जी नहीं। अभी कैसा लग रहा है भगवान आ रहे? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश नसीब मानती है खुद को कि अयोध्या में है? हाँ, हम लोगों की पीढ़ी देख रही है, ये बहुत है। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे। बिल्कुल, तो खुशी है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। विंध्यवासिनी, आप अयोध्या पहुँची है, कितनी खुश नसीब मानती है खुद को? जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड मैन हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अयोध्या धाम में जन्म दी हूँ। इतनी खुश है जी। तीनों बच्चे एक साथ यहाँ मौजूद है, आप लोग मिलके क्या ऐसा भजन गा रहे हो कि लगे कि हाँ जो छोटे बच्चे हैं वो भी खुश है कि भगवान उनके आ रहे हैं? जी, भजन गाऊं? जी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, काशी भी सजा दी है मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है मथुरा भी से सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे, जय श्री राम। विंध्यवासिनी, जैसा कि आपने गाना गाया कि अयोध्या तो अब हो गई, तो काशी मथुरा बाकी है? जी, काशी भी सजी गई, अयोध्या भी सजी गई, बस मथुरा बाकी है। लेकिन सरकार कह, मतलब जो वैसे लोग हैं कह रहे हैं कि हम मथुरा नहीं देंगे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने काशी ले लिया, अयोध्या ले लिया, वैसे ही मथुरा भी ले ही लेंगे। मथुरा भी हमारा होगा? जी बिल्कुल, वहाँ भी लल्ला पधारेंगे, कृष्ण लल्ला। जी, कृष्ण लल्ला भी, जैसे हमारे जन्मभूमि में राम पधार रहे, वैसे वहाँ मथुरा में कृष्ण पधारेंगे। बिल्कुल, तो बड़े बच्चे सभी काफी खुश हैं, कृष्ण लल्ला मथुरा में पधारेंगे, काशी में बाबा आ ही रहे हैं, अयोध्या में राम लल्ला विराजमान हो ही रहे हैं। कई लोग आ नहीं रहे हैं अयोध्या, क्या कहेंगे उन्हें? जी, वो लोग तो अहंकार में डूबे गए, वो लोग तो मूर्ख है ही, उन लोग दुर्भाग्यशाली, उन लोग की किस्मत भी बेकार है। वो जितनी खुशियाँ 22 जनवरी को मिलने वाली है, उतनी खुशियाँ कहीं और मिलने वाली नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर बार बार सोचेंगे कि अयोध्या मुझे जाना था, अयोध्या मुझे जाना था। छोटे छोटे बच्चे का एक ही कहना नारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो अयोध्या नहीं आ रहा है वो बिल्कुल
अभाग्यशाली है। और एनेदरे भक्ति रस तुबुरी खाय पुरिसे आवाल वृद्ध बनिता सकलो अयोध्यार राम मंदिर रामलालार प्राण प्रतिष्ठा तो एनेदरे एतिया उखल माखल हो उठिछे अयोध्या अयोध्यार आकाशत न्यूज 18र पुष्पक विमान पुष्पक विमानत आछे न्यूज 18र ज्येष्ठ सांबादिक आनंद नरसिंह है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दृश्य। ये देखिए, वो दूर देख रहे हैं, वो भव्य राम मंदिर दिव्य, रात में कितना सुंदर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुंदर दिखेगा। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब देखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदिर। अभी तो प्रभु राम का मंदिर अपने निर्माण अवस्था में है लेकिन ये जल्द पूरा हो जाएगा। हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगह श्री अयोध्या में ही है, उससे थोड़ी दूर है। इस जगह का नाम मणि पर्वत है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर है। पूजा, इस जगह की भी खासियत है, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। और देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया आनंद। और टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ये जो दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या नगरी दिखती कैसी है। जी हाँ, अयोध्या नगरी तो दिखाएंगे लेकिन जहाँ हम खड़े हैं उसकी भी तो मान्यताएं और खासियत बता दें। इतिहास क्या कहता है इस जगह के बारे में, मणि पर्वत के बारे में कई सारी मान्यता है। यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं कि ये पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। लेकिन हनुमान जी से भी जुड़ी एक कथा है इसके बारे में। बिल्कुल, मान्यता तो ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो पर्वत का टुकड़ा है जहाँ हम खड़े हैं जिसे हम मणि पर्वत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें आनंद की असली अयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है क्योंकि टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी। कैसे करेंगे ये यात्रा ये आपको वही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए एक खास विमान को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जोर से आवाज नहीं देने वाला, आह्वान नहीं करने वाला, बस यहाँ देखूंगा और वो देखिए दूर कोई ये तो किसी पंछी की तरह है। जी हाँ, पंख तो पंछी की तरह है लेकिन ये पंछी नहीं है, ये खास विमान है जिसको हम लघु पुष्पक विमान कहते हैं। ये धीरे धीरे उड़ान भरते हुए आराम से टच डाउन करेगा। आना भाई, धीरे 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 धीरे, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पौराणिक कथाओं में जो राम जी जिसमें अयोध्या में आए थे वो पुष्पक विमान तो बहुत विशाल काय था, ये थोड़ा लघु पुष्पक विमान है, छोटा मॉडल हमने बनाया है लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर भी बहुत है और उसकी खासियत भी है। अभी देखिए खुल गया, देखिए अब आप बताइए कैसे खुला, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पुष्पक विमान चालक के मन से जुड़ा होता था, तो रावण के मन से, प्रभु श्री राम के मन से जुड़ा हुआ था। यहां ये लघु पुष्पक विमान मेरे मन की ट्यूनिंग से है। अब देखिए ये क्या करेगा। अरे, इसके द्वार तो बंद हो गए और द्वार बंद हो गए हैं, लघु पुष्पक विमान में आनंद सवार हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन अभी बाकी है और ये दर्शन आपको आनंद करवाएंगे। कैसी दिखती है अयोध्या नगरी ये आपको आनंद बताएंगे। लेकिन आनंद, कहां जा रहे हैं आप इस वक्त? कहाँ जा रहा हूँ मैं तो आपको दिखाऊंगा, पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा। यहीं से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूँ, अभी के लिए तो धीरे धीरे धीरे। तो ये लघु पुष्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं, आनंद इसमें सवार हैं और ये उड़ान भर दी है उन्होंने। अब आपको बता दें कि आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे, साथ ही रामलला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन जरा डिटेल में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए, यहाँ पर 3 फ्लोर और 5 डोम यानी गुंबद बनाए गए हैं, 360 पिलर्स यानी कि स्तंभ इस मंदिर के अंदर है। कुल पिलर्स की संख्या आप देखिए और जो ऊंचाई है 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की भी बात करते हैं उसका भी डेटा हम आपको दे दें, 235 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही जानकारी ये भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर 5 पवेलियंस बनाए गए हैं, 12 गेट यानी कि द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं, 57.4 एकड़ इस
मंदिर कॉम्प्लेक्स का एरिया है और 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया है। अभी कुछ हिस्सा और बनना इसका जरूर बाकी है। तो ये जानकारी हमने आपको दी, 3 फ्लोर का ये मंदिर, 5 गुंबद इसके अंदर। जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या दर्शन के लिए सीधे आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद, इस वक्त कहाँ पहुंचे आप? जी हाँ, इस वक्त मैं श्री अयोध्या जी के ऊपर हूँ, उड़ रहा हूँ लघु पुष्पक में। और देखिए, शाम में सरयू तट पर बनी ये राम की पौड़ी कितनी सुंदर हो जाती है, भव्यता आ जाती है इस रोशनी की चकाचौंध की वजह से, लाइट्स की चकाचौंध की वजह से। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग ही आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आज से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए। और यहाँ एक लाइट शो होता है, साउंड एंड लाइट शो, रामायण की कथा का, बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, अवश्य आइएगा। গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। राम सिया राम हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय रामचंद्र की जय। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो पल में, युग युग में, हर क्षण में राम,
हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम सियाराम किया विश्व कल्याण बनो राम सियाराम 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 किया विश्व कल्याण बनो राम सियाराम सियाराम इस दिन के हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में कर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठाक लৈ এতিয়া ভক্তি ৰসত বিধৌত হৈ আছে সমগ্র বিশ্ব বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ ৰাম মন্দিৰক লৈ নেপালৰ ৰাম ভক্তসকলেও আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে 22 জানুৱাৰীৰ এই অনুষ্ঠানক লৈ বিভিন্ন জন মন্তব্য আছে নেপালৰ ৰাম ভক্তৰ আগবঢ়া আবেতি হেৰা আমি আবা নেপাল জানজু নেপালে পানী আপনো সাথী ভাই দাজু ভাই সব পহলে মই আপনো यहाँ को सब कुछ सुनाऊ हेराऊँ छू देखाऊँ छू वीडियो करे छू मोबाइल पकड़ ले आऊँ छू सब पहले सुनोने हेराने तू जला दे चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे आया है छाया है मन में समाया और 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठार उपलक्षे राजस्थान सरकार और विशेष निर्देशना 22 जनवरी मास मांस दुकान बंद करा निर्देश सकलो कसाईखाना बंद रखा